नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो विषय है वो कजाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में है जो रशिया बॉर्डर के काफी नजदीक आया हुआ है। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वेस्ट कजाकिस्तान मरात ओस्मानोव मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको वेस्ट कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं वेस्ट कजाकिस्तान मरात ओस्मानोव मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी अक्टोबे सिटी के अंदर आई हुई है। एंड यहाँ पे अक्टोबे की बात करेंगे तो यहाँ पे अक्टोबे सिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है अक्टोबे रीजन का। एंड इसके अगर लोकेशन की बात की जाए तो कजाकिस्तान का जो वेस्ट पोर्शन है वहां पे ये सिटी आया हुआ है। एंड अगर कजाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में सबसे बड़ी सिटी की बात की जाए तो आप इस सिटी को बोल सकते हो। सिटी के अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो करीबन यहाँ पे 400 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 200 स्क्वायर माइल का एरिया ये सिटी कवर करता है। यहाँ पे अगर सिटी के पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीबन 5.5 से 6 लाख तक की आबादी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इतनी आबादी के साथ इसको वेस्टर्न कजाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर सिटी भी बोला जा सकता है। उसके अलावा अगर पूरी कंट्री के अंदर बात की जाए तो अल्माटी, अस्ताना और सिमेंकेट के बाद इसका फोर्थ नंबर आता है। अगर यहाँ की टोटल पॉपुलेशन को जाति के हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो कजाक जो पॉपुलेशन है वो करीबन 81% के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो रशियन पॉपुलेशन है करीबन 13% के आसपास है। यूक्रेनियन यहाँ पे करीबन 1.5 से 2% के आसपास आप देख सकते हो। उसके अलावा जो तातार है वो तातार यहाँ पे करीबन 1% के आसपास है। एंड उसके अलावा अदर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 2.5% के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा इसके लोकेशन की प्रॉपरली बात की जाए यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ अक्टोबे रीजन के अंदर ही आया हुआ है। उसके अलावा रशिया की जो ओरेनबर्ग सिटी है वहां से इसका अगर डिस्टेंस आप देखते हो तो करीबन 200 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है नॉर्थ वेस्ट साइड पे। उसके अलावा रशिया का जो ओर सिटी है वहां से उसका डिस्टेंस जो है वो करीबन 150 किलोमीटर के आसपास है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। दूसरा जो कजाकिस्तान का जो मेन सिटी है अल्माटी, वहां से अक्टोबे का अगर डिस्टेंस देखेंगे हम लोग तो करीबन 2185 किलोमीटर के आसपास है। एंड यहाँ पे अगर उसका अस्ताना से डिस्टेंस देखेंगे हम लोग तो वो करीबन 1465 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो अक्टोबे जाने के लिए आपको वाया अल्माटी या वाया अस्ताना होके जाना रहेगा। इंडिया से अगर हम लोग अल्माटी की बात करेंगे तो करीबन 3 से 4 घंटे का डायरेक्ट डिस्टेंस है। एंड यहाँ पे वो टाइम बढ़ भी सकता है डिपेंड ऑन द लेआउट है। एंड यहाँ पे अल्माटी से अगर हम लोग बात करेंगे अक्टोबे के लिए तो यहाँ से फ्लाइट्स अवेलेबल है डोमेस्टिक। अगर वाया फ्लाइट आप जाते हो तो करीबन आपका 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगना है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑपरेटिंग फ्लाइट्स की बात करेंगे तो काफी सारे फ्लाइट के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे एयर अस्ताना फ्लाइट अवेलेबल है, उज्बेकिस्तान एयरलाइंस है, फ्लाई अरिस्तान है, अजरबैजान एयरलाइंस है, एयर अरेबिया है, कतार एयरवेज है, तुर्कीज एयरलाइंस है, उसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा एयरलाइंस और एयर इंडिया की कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट भी आपको अवेलेबल हो जाती है। तो फ्लाइट के बारे में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अक्टोबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो अक्टोबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है साउथ वेस्ट ऑफ अक्टोबे सिटी से। उसके अलावा अगर आपको बाय ट्रेन भी ट्रेवल करना है तो ट्रेन की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे सिटी के अंदर अवेलेबल है फ्रॉम अस्ताना एंड फ्रॉम अल्माटी सिटी। एंड उसके अलावा अगर आपको बाय रोड भी ट्रेवल करना है तो बस सर्विस एज वेल एज टैक्सी सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ट्रेन सर्विस की बात करेंगे तो अक्टोबे से इंटरनेशनल ट्रेन सर्विस लाइक मॉस्को, बिशेक एंड ताशकंद सिटी के साथ कनेक्टेड है। उसके अलावा डोमेस्टिक सर्विस की बात करेंगे तो अक्ताव, अत्रयाव एंड अल्माटी एंड अस्ताना सिटी के साथ भी इसका कनेक्टिविटी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर सिटी के क्लाइमेट कंडीशन की बात करेंगे तो सोवियत की दूसरे सिटी के जैसे यहाँ पे भी आपको मिक्स कंडीशन नजर में आएगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो करीबन 30 डिग्री के आसपास आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर लो टेम्परेचर की बात करते हो तो यहाँ पे जो
टेम्परेचर है वो -15 डिग्री तक जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1957 है। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो नाम है वो है वेस्ट कजाकिस्तान मरात ओस्पनो मेडिकल एकेडमी, एंड इसका जो एफिलेशन है वो है वेस्ट कजाकिस्तान मरात ओस्पनो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। अगर यहाँ पे मेडिकल इंफ्रा की बात की जाए यूनिवर्सिटी के, तो करीबन 28 हॉस्पिटल्स एज वेल एज 143 आउट पेशेंट क्लिनिक यूनिवर्सिटी के पास एफिलेटेड है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर आपको करीबन 2000 प्लस डॉक्टर्स एज वेल एज 4000 से ऊपर मेडिकल जो पर्सन है वो काम करते हुए नजर में आएंगे। अगर यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के एजुकेशन बजट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटी का वो 3700 USD के आसपास है, एंड अगर यहाँ पे उसके हॉस्टल फीस की बात की जाए तो वो करीबन $500 के आसपास आपके देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर टोटल बजट की बात की जाए जिसके अंदर ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस एंड फूड सब मिला लिया जाए अगर, तो टोटल बजट जो है वो करीबन 25 से 26 लाख के आसपास आपको नजर आएगा। यहाँ पे अगर सोफ्तामो ओपिनियन की बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यूनिवर्सिटी का एक पॉजिटिव रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर रिगार्डिंग द मेडिकल एजुकेशन। करीबन 45 वर्ल्ड की डिफरेंट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के साथ इस यूनिवर्सिटी का एफिलेशन। दूसरा, यूनिवर्सिटी के पास हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, तो इन फ्यूचर अगर आप पीजी के लिए प्लान करते हैं दूसरे किसी भी कंट्री के अंदर तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत आने के चांसेस नहीं रहते हैं। दूसरा, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का बेनिफिट मिल जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर आपको, जो कि आपको काफी अच्छी मेडिकल की शिक्षा प्रदान करता है। जैसे हमने पहले भी बताया यूनिवर्सिटी के पास मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ लेबोरेटरीज अवेलेबल है, उसके अंदर आपको वेल एडवांस इक्विपमेंट भी नजर आएंगे, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मामले में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा, इंडिया की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने अगर आप कंपेयर करते हो तो काफी बेहतर इकोनॉमिकल ऑप्शन आप इसको बोल सकते हो। एंड यहाँ पे स्टूडेंट सेफ्टी की बात की जाए स्पेशली फॉर द गर्ल्स चाइल्ड, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक इतने सारे बेनिफिट के साथ आप इस यूनिवर्सिटी को मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बेहतर ऑप्शन बोल सकते हो। अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो और आपको विश है आपका कि आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप बेशक सोफ्तामो एजुकेशन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारा रेगुलर वेबिनार होता है जिस वेबिनार को ज्वाइन करके भी आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी के और डिफरेंट कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाके जो वेबिनार सेक्शन है वहाँ पे क्लिक करके आपका डिटेल फिलअप करना है, उसके बाद हमारी टीम आपको हमारे वेबिनार में कनेक्ट करके रखेगी जहाँ पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन है कोई भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके भी हमको क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेल करना चाहते हैं तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल करके अपने आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन एज वेल एज व्हाट्सएप सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप हमारे काउंसिलर से बात करके भी अपना प्रश्न का सॉल्यूशन ले सकते हो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप कनेक्ट कीजिए अपने आपको और वहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको डे बाय डे मिलती रहेगी, लाइक MBBS इंडिया के बारे में या तो फिर MBBS अब्रॉड के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि सोफ्तामो एजुकेशन के थ्रू ही क्यों एडमिशन लेना चाहिए, तो सी सोफ्तामो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसके अंदर पहले 2 साल की फिजिकल मेडिकल की बुक्स प्रोवाइड की जाती है हमारी ओर से बच्चों को। उसके अलावा सेकेंड ईयर के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसका ई बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड की जाती है जो कि आपको आने वाली नेक्स्ट की एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स होती है, जो जिन बच्चों ने FMGE क्लियर कर लिया है वैसे बच्चों के हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड मेडिकल की जो भी अपडेट्स आती है उसके बारे में आपको माहितगार किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप PG का प्लान कर रहे हो फ्यूचर के अंदर लाइक कंट्री इंडिया जर्मनी या USA या UK, तो वहाँ पे आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पे ये जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सर्विस का सोफ्तामो की ओर से कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता है, इट्स ए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक करना एवं शेयर करना ना भूले, एज वेल एज आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। तो आपकी अच्छी सेहत एंड अच्छे कैरियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।